Assalamu alaikum, may I be with you? Yeah. Hey, I remember served sandwiches and gram allowances. It is Eid day 2 and exam day 1. Abhi bhi baat shit kar rahi hu because mujhe jana hai lunch pe with Hiba Aisha Hania. Mujhe itni neend aa rahi hai, main usually koi 4-5 baje uthti. Ye maine abhi tak battery charge hi nahi kiya chand raat se. अभी करती हूँ. आज मेरा पेपर है और वो लोड होगा वो पोर्टल पे 3 बजे या 2 बजे या 4 बजे. एक्चुअली मुझे टाइमिंग नहीं पता क्योंकि यूके की टाइमिंग है. लेकिन मेरा पेपर है 24 आवर्स का, मतलब 24 आवर्स का पेपर नहीं है बट आई हैव 24 आवर्स टू अटेम्प्ट इट. तो वो अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा चिल हूँ. ऑल्सो कल मेरा ईद का दिन बहुत ही अजीब सा गुजरा. मैं पूरा दिन पढ़ रही थी, मैंने पूरा सिलेबस कम्प्लीट किया और मेरे सारे घर वाले गए हुए थे ईद की दावतों पे और मैं अकेले घर पे बैठ के पढ़ रही थी, जो काफी सैड था. कभी भी मैंने अपनी ईद ऐसे बनाई नहीं है. क्या है ये तार इतना ज़ूम क्यों कर रहा है? दिस इज लाइक माई ईद डे 1. तैयार हो रही हूँ मैं, कल मैं तैयार भी नहीं होती ना, तो इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा. एंड सबके CIs भी हैं, लाइक मेरे सारे कजन के CIs हैं फिलहाल. Everyone is just sitting at home studying and I know you guys can relate also because tum log ke bhi CIs honge and I know how sad Eid is when CIs are around because वो माहौल ही नहीं होता ना, लाइक आप पूरा दिन पढ़ रहे होते हो. व्हेन यू स्ट्रेटन योर हेयर वो जो गर्मी फील होती है वो अलग ही गर्मी होती है, भले एसी पंखा सब चल रहा हो, अजीब सी गर्मी होती है व्हेन यू स्ट्रेटन योर हेयर. ऑल्सो मैंने अपने बाल खुद काटे थे तो इसलिए ये इतने चौकीस हैं, प्लीज इग्नोर दैट. मैं होने जा रही हूँ तैयार बिकॉज अब मेरे पास बातें नहीं है करने को. आई एम हियर. इधर इतना रश है, इतना रश, मुझे इतना ओवर ड्रेस्ड फील हो रहा है. खैर मुझे बहुत बोरी थी क्रेविंग उसकी, बीफ स्टेक की क्रेविंग हो रही थी मुझे, लेकिन अब मैं स्टेक नहीं खा रही. मैं सोच रही हूँ पास्ता खाऊँ. हम पिक्चर्स लेने आए हैं और हवा रुकी नहीं रही है. व्लॉग बना रही हूँ. आई एम जिली व्लॉगर. हम पिक्चर्स लेने आए और फ्लॉप हो गई. मेरे बाल आगे हो ही नहीं रहे, उड़े जा रहे हैं. मैंने हेयर स्प्रे लगाया था ऊपर, लेकिन इनका क्या करूँ. ये मैंने मेकअप ब्लेंड नहीं किया. मैं इसको बैठ के कब से यही कर चोट लगी. मैं बहुत जल्दी में तैयार हूँ. मियाँ प्लीज ये हवा बंद हो जाए. क्या करना है? खाने नहीं देते पहले पिक्चर होगी. आयशा भूख लग रही है. मेरी आंख में चिमी चूरी चली गई. अरे मैं रोती हूँ तो आयशा भी रोती है. अभी मेरे आंख में चिमी चूरी चली गई. क्या हुआ है? हम आ गए घर, खाना वाना खा के आयशा पिक्चर्स ले रही है पीछे. लेकिन हम घर आ गए. अब मेरा मुझे पेपर देना है. मेरा पेपर अपलोड हो गया है लेकिन मैंने अभी तक एक्सेस नहीं किया है. सोच रही हूँ घर जल्दी चली जाऊँ ताकि पेपर से जल्दी फारिग हो जाऊँ. बताइए पेपर मुझे मिल गया है. पता है मुझे पेपर क्या है? पिछले साल का ही पेपर उठा के दे दिया, लेकिन तभी मैं थोड़ी टेंशन फ्री हूँ. खैर तो आराम से पेपर करूंगी मैं. 24 आवर्स का पेपर है, आराम से टाइम है. खैर अभी हम पिक्चर्स लेंगे फिर मैं दफा हो जाऊंगी. मैं घर आ गई हूँ. आई एम डूइंग माई पेपर राइट नाउ. उलझन हो रही है मुझे. ऑल दो आई हैव टाइम बट स्टिल आई जस्ट वॉन्ट टू गेट इट डन. Also yes, it is an open book test. तो बुक मेरी ये रही, आंसर मेरा ये रहा, ओपन बुक आंसर. मैं कोई 4 घंटे से पेपर कर रही हूँ. नाउ आई एम टायर्ड. मैं अदरक के साथ खेल रही हूँ. पता नहीं कहाँ भाग जाती है ये गंदी बच्ची. खैर अभी मैंने थोड़ी ब्रेक लिया है. आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 2 फाइनली. और अभी टाइम हो रहा है 11:45 एंड आई स्टार्टेड एट 6:30 समथिंग या 6 बजे. मैंने काफ़ी ब्रेक्स भी लिए हैं बीच में. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कम्प्लीट दिस पेपर बिफोर लाइक
दो बजे, रात के जो दो बजे तक हो जाना चाहिए ये पेपर। क्या हुआ? कुछ नहीं करना है पूरा दिन, बस लेटे रहना है। ये जिंदगी अगर मुझे मिल जाए तो मतलब क्या ही बात हो। मेरा पेपर हो गया फाइनली, पर अभी कितने बज रहे हैं? 4:16। मैं अपना पेपर सबमिट करने जा रही हूँ। मसला बस इतना है कि प्लेजरिज्म अगर आ गया ना 20% अबव तो मसला होगा। क्या है, क्यों नहीं होगा? एग्री टू द टर्म्स, सबमिट। क्या है, इज इट अपलोडेड? व्हाट? आई जस्ट सबमिटेड माय पेपर। I just finished submitting the exam and it went good, alhamdulillah. काफ़ी ईजी है हमारे पेपर्स, फॉर द पीपल वंडरिंग के 24 आवर्स का भी एग्ज़ाम कभी भी कर लो और ओपन बुक टेस्ट, तो येस इट्स वेरी ईजी। लेकिन ये सिर्फ कोविड टाइम्स के लिए था अभी ऑनलाइन, लेकिन वंस वी हैव टू सिट इन द एग्ज़ाम फिर पता नहीं क्या होगा मेरा, लेकिन अलहमदिल्ला इट वॉज़ नाइस फ़िलहाल। अब मेरा नेक्स्ट पेपर इज़ ऑन द 9th, तो उसके लिए पढ़ना शुरू करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। Okay.